हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है वैसे, बट फिर भी कमेंट्स में पूछते रहते हैं काफ़ी लोग, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या यूज़ करते हो ये ड्राइंग्स में, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा कि ये क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको करने से पहले। बिकॉज मैं 2 साल से कमीशन वर्क कर रहा हूँ और 2 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं कमीशन वर्क्स में भी यूज़ नहीं करता था, स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही दे देता था कमीशन वर्क्स बिना स्प्रे करे, बट अब मैं अपनी सारी ड्राइंग्स में करता हूँ। क्यों करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको मेरी ओल्ड ड्राइंग्स दिखाऊंगा जिनमें मैंने नहीं किया और उनको क्या फ़र्क पड़ा है नहीं करने की वजह से, और जो मैंने रिसेंटली ये हाइपर रियलिस्टिक वाली ड्राइंग बनाई है बड़े साइज़ की, इस पर मैंने अभी तक नहीं किया है, तो इस पर करते हैं। और मेरे पास स्प्रे है नया वाला जो कि है कॉन्टे पेरिस का, ये मैं अभी कॉमिकॉन से लेके आया था हॉबी क्राफ्ट से, तो इसको भी टेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं कैमलिन वाला यूज़ करता था, तो आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे अपनी इस वाली ड्राइंग में। पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्प्रे करने से पहले। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रे किस लिए होता है। जैसे हम चारकोल, ग्रेफाइट या फिर पेस्टल वर्क करते हैं, वो समझ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसको फिक्स करने के लिए कि वो मतलब फैले ना, चाहे उसके ऊपर हाथ लगे चाहे उसके ऊपर कुछ भी लगे, वो फैले ना, वो एकदम से फिक्स हो जाए, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सुबह जैसे कि मेरी ये ड्राइंग है, इसमें मैंने अभी तक बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया है, तो इसमें मैंने कंप्लीट ग्रेफाइट का यूज़ किया है जो कि ग्रेफाइट है। और अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से हाथ लगाऊं या फिर हाथ फेरूं, तो अब ये मेरे हाथ के ऊपर पूरा लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये ग्रेफाइट है, इसके पार्टिकल टाइम के साथ उड़ जाएंगे या फिर टाइम के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। अगर मैं इसको डिस्प्ले बुक में रखूँगा या फिर कहीं भी रखूँगा, फ्रेम कराऊँगा, तो धीरे धीरे करके इसके जो ग्रेफाइट के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर धीरे धीरे करके इस स्केच के सारे अगर पार्टिकल निकल जाते हैं धीरे धीरे करके कुछ सालों में, तो जो स्केच है वो काफ़ी फीका फीका हो जाएगा, और मतलब जैसा अभी लग रहा है वो वैसा नहीं लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम इसमें फिक्सेटिव करेंगे ताकि अभी जैसा है सालों बाद भी वैसा ही रहे, चाहे मैं इसको डिस्प्ले बुक में रखूँ, फ्रेम कराऊँ या फिर इसके ऊपर कितने भी हाथ लगे, इसके ग्रेफाइट के पार्टिकल्स इसमें से निकले ना। फिक्सेटिव करने से पहले मैं एक बात का ध्यान रखूँगा, जो मैंने बॉर्डर छोड़ा है ये वाइट वाला, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ इरेजर से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पे ग्रेफाइट है, इसको मुझे अच्छे से साफ़ करना है। तो आपकी ड्राइंग के अलावा जो भी आसपास का एरिया उसको अच्छे से बिल्कुल इरेजर से साफ़ कर लो, अदरवाइज़ अगर आप फिक्सेटिव कर दोगे, मान लो मैंने यहाँ पे फिक्सेटिव कर दिया, तो ये पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। अगर मैं इसको फ्रेम कराऊंगा तो ये बहुत भद्दा लगेगा, तो इसको पूरा वाइट करना पड़ेगा अच्छे से इरेज करके। तो चलो इसको एक बार इरेज करते हैं अच्छे से। इरेज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये टोम्बो का मोनो प्लास्टिक इरेजर, जो कि काफ़ी बेस्ट इरेजर, और इस तरह से मैं कुछ इरेज कर सकता हूँ। काम करते करते पेपर के ऊपर काफ़ी डस्ट हो ही जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद इरेजर से चारों तरफ साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो कर ही लिया करो। मेरा जो फर्स्ट वर्क था A1 साइज़ वाला, मदर टेरेसा वाला, उसमें मैंने यही गलती की थी, मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया और फिक्सेटिव कर दिया, तो उसके बॉर्डर थोड़े भद्दे से हो गए, बिल्कुल वाइट नहीं है। फिर मेरे को उसके ऊपर से एक्रेलिक करना पड़ा, बट चलो जो भी है, सीखने को ही मिलता है। मैं तो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। अब मैं एक साफ़ टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ जो भी हमने इरेज किया है उसको। इरेजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, नीडल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है, वो तो सारा ग्रेफाइट या चारकोल अपने अंदर ऑप्ट कर लेता है। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो चुका है, अपनी ड्राइंग के आसपास का एरिया अच्छे से क्लीन कर लो, नहीं तो उसके ऊपर से अगर स्प्रे पड़ गया तो वो जम जाएगा ग्रेफाइट या चारकोल, और फिर बॉर्डर पूरे भद्दे लगेंगे। मेरे साथ हो चुके हैं काफ़ी ड्राइंग्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप ये है कि या तो आउटडोर करो, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप आउटडोर करो, अभी तो रात हो रही है इसलिए मैं अंदर कर रहा हूँ, और नया स्प्रे भी है तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मुंह पे रुमाल ज़रूर बांध लो, बिकॉज ये हेल्थ के लिए थोड़ा सही नहीं है, तो हैंकी मुंह पे ज़रूर बांध लो। तो अभी हम रेडी हैं, कॉन्टे पेरिस का यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, तो चलो। यूज़ करने से पहले अच्छे से एक बार शेक कर लेते हैं। इसके अंदर 400 ml है, जो कैमलिन वाला होता है उसके अंदर 200 ml होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करना होता है इसको। सो गाइस, फिक्सेटिव तो कर दिया जैसे कि आपने देखा, और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा स्मेल नहीं है, हल्की स्मेल है वो भी डिफरेंट है। जो कैमलिन वाला फिक्सेटिव है उसकी स्मेल तो काफ़ी तगड़ी है, वो सीधा सिर में चढ़ती है, बट इसमें हल्की हल्की चीज़ है जो कि आई थिंक हेल्थ के लिए ज़्यादा ख़राब नहीं है। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फिक्सेटिव ना करने से क्या होता है, क्या हुआ है मेरी ड्राइंग के साथ, तो चलो देखते हैं। ये है मेरी डिस्प्ले बुक, तो आप देख सकते हैं इसमें
यहाँ पे पूरा ग्रेफाइट छपा हुआ है, जो मेरी ड्राइंग थी ये मैंने जब बनाई थी उसके बाद मैंने इसमें फिक्सेटिव नहीं किया था और मैंने ऐसे ही डाल दी थी और पूरा जो ग्रेफाइट है वो यहाँ पे छप गया था। तो इसके अंदर से इतना सारा ग्रेफाइट निकल चुका है जो कि मैंने शेडिंग की थी। तो शेडिंग मैंने लेयरिंग लेयरिंग करके की थी, तो इसमें से जो ग्रेफाइट है इतना ग्रेफाइट निकल चुका है मेरी जो ड्राइंग में से। तो अगर ऐसे ही मैं इसमें फिक्सेटिव ना करता धीरे धीरे करके, कुछ सालों बाद कितनी सारा ग्रेफाइट में से निकल जाता और ड्राइंग मेरी काफ़ी फीकी हो जाती। अब तो मैंने फिलहाल इसमें कर लिया है तो इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो देखो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इस वाले में। ये देखो गाइस सारे छपे हुए हैं, ये भी छपा हुआ है, ये भी छपा हुआ है। अब तो मैंने सब में कर लिया है। देखो इसमें भी ये थोर है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन है, टोनी स्टार्क। तो ये भी छप गया, देखो इतना सारा ग्रेफाइट हमारा निकल चुका है। इसीलिए फिक्सेटिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये वाला देखूँ, शायद इसमें भी मैंने नहीं किया है, हाँ इसमें भी नहीं किया है। देखो पूरा फेस दिख रहा है यहाँ पे आपको। चारकोल में तो गाइज और भी ज़्यादा होता है, जैसे मैं इसमें बियर्ड और हेयर चारकोल से बनाए थे रणवीर वाले स्केच में। तो देखो पूरा ही छप रखा है, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखो गाइज पूरा फेस छप रखा है पूरा। अगर आप भी बिना स्प्रे करे इसी तरह से डिस्प्ले बुक में अपने स्केचेस को रखोगे तो यही हाल होगा। सारी ग्रेफाइट चारकोल उसमें चिपक जाएगा, या फिर जब निकालोगे तब उड़ भी सकता है और आपकी ड्राइंग ख़राब भी हो सकती है हाथ वाथ लग गया तो। तो इससे बेटर यही रहेगा जब भी बनाओ कंप्लीट होने के बाद उसको अच्छे से उसके एरिया को क्लीन करके अच्छे से स्प्रे कर लो। थोड़ा महंगा पड़ता है बट जो आपने बनाया है उसकी वैल्यू तो है ना, आपने उस पर टाइम लगाया उसकी वैल्यू तो है ना, उसको देख के उस पर स्प्रे कर दिया करो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके स्प्रे कितने चलते हैं आपके, तो मेरा तो लिटरली गाइस बहुत जल्दी ख़त्म जाता है, बहुत जल्दी। मैंने अभी चार मंगवाए थे कैमलिन वाले चार, और वो चारों में से सिर्फ एक एक बाकी है, क्योंकि मैं कमीशन वर्क डेली करता हूँ, डेली अपने ड्राइंग्स बनाता हूँ। तो वो आपके ऊपर आप कितना ड्रॉ करते हो, अगर आप महीने में चार स्केचेस बनाते हो तो आपका बहुत चल जाएगा, अगर आप डेली डेली बनाते हो, डेली डेली स्केचेस बनाते हो, बट आप करो ज़रूर, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे रफली कुछ भी बनाओ बिना ब्लेंड करे, तब भी आप ज़रूर करो, बिकॉज आपकी जो शेडिंग है जो आप कर रहे हो चारकोल से या ग्रेफाइट से, वो वैसी की वैसी रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। और रही बात ब्रांड की, जो मैंने कॉन्टे वाला यूज़ किया तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली, मतलब उसके अंदर से जो स्प्रे निकल रहा था वो मतलब लिक्विड ज़्यादा नहीं था। जो कैमलिन वाला है ना उसमें ज़्यादा लिक्विड लिक्विड सा निकलता है, और वो कई बार हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती है, मेरी काफ़ी ड्राइंग भी ख़राब हो रखी है उससे। अगर आप चारकोल ज़्यादा यूज़ कर लोगे ना, चारकोल अगर पाउडर है अगर उसके ऊपर वो हो जाता है तो वो साइड में पूरा फैल जाता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया, अगर आप आर्टिस्ट हो आपको पता होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये ऊपर से काफ़ी अच्छे से, ज़्यादा लिक्विड नहीं निकल रहा था। प्राइस थोड़ा महंगा है तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें तो मिल रही हैं काफ़ी बढ़िया। बाकी आपके ऊपर आपको कौन सा यूज़ करना है, कैमलिन वाला और विंसर एंड न्यूटन का भी आता है, और कॉन्टे वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया। बट जो भी है गाइज, जो भी आप चारकोल ग्रेफाइट या पेस्टल से कुछ भी ड्रॉ करो उसके ऊपर फिक्सेटिव जरूर करना। पहले मैं नहीं करता था, उसका मेरे को रिजल्ट मिला है, आपके सामने है, अब से मैं जल्दी जल्दी सब में कर लूँगा। और बस यही कुछ मुझे आपको बताना था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, आप मेरी और आर्ट वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं गाइज इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस देखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।